नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रखने जा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर कुछ हिस्सों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। नेचुरल क्लैमिटी है, हम लोग कभी भी नहीं रोक सकते, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अपनी तरफ से उन लोगों की इंसानियत के नाते मदद कर सकते हैं। अगर हम आसपास में कहीं पर रहते हैं तो एटलीस्ट वहां पर जाकर हम लोग हेल्प कर सकते हैं, उनको खाने के लिए पीने के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल करवा सकते हैं। और अगर हम फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट हैं अच्छे से, तो उन लोगों की किसी संस्था के माध्यम से या डायरेक्टली उनकी हेल्प कर सकते हैं। तीसरा, आज जो मैं बात रखने जा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में एग्जाम का टाइम है और कुछ स्टेट के अंदर जैसे कि पंजाब के अंदर 26 अगस्त को और 27 अगस्त को आपका एक ASI का एग्जाम होने वाला है। तो इन एग्जाम के लिए हम लोग गवर्नमेंट से, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में पंजाब में एग्जाम है, तो पंजाब गवर्नमेंट से, क्योंकि पंजाब के बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास बहुत ज्यादा, तो मेरा एटलीस्ट पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो लोग इन एग्जाम की डेट को एक्सटेंड करें। मैं खुद कोशिश कर रहा हूं कि PSSB बोर्ड या फिर जहां पर भी मैं पहुंच सकता हूं अपनी तरफ से वहां तक उस चीज को पहुंचाया जाए, ताकि अगर वो लोग इस बात को सुनकर और इन बच्चों को कुछ टाइम दे, क्योंकि देखो इस माहौल में ऐसी स्थिति में प्रिपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और दूसरी बात, ये एग्जाम डेट जो एक्सटेंड की जाएगी इसके साथ ही हम लोग सब बच्चों के लिए पूरा जो हमने कोर्स दिया हुआ है वो तो हम पूरा एक्सटेंड करेंगे। इसमें कोई आपका बिना किसी पैसे के पूरा का पूरा कोर्स एक्सटेंड किया जाएगा, इसमें कोई अमाउंट आपका नहीं लिया जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि यहां पर अगर आप लोग किसी के लिए हेल्प करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखो उसमें प्रेजेंट टाइम में पिछले कई टाइम से अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत सारी पहले फ्लड की सिचुएशन बनी, उसके बाद और भी सिचुएशन ऐसी हुई, तो उनमें लगातार हम कोशिश करते रहे हैं कि किसी भी प्रकार से उनकी हेल्प हो सके, और हमेशा से हमने ट्राई किया है। वो बात अलग है कि फोटो और वीडियोज डालने का समय नहीं मिल पाता है और ना ही हम लोग डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रीजन ये है कि वो एक थोड़ा सा पब्लिक स्टंट हो जाता है और मैं उसको नहीं मानता हूं कि दैट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन आप लोग भी अपनी से जब करते हैं तो कोशिश करिए कि हेल्प करिए ना, तो फोटो और वीडियोस के लिए अगर हेल्प करना है तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। और जब भी आप लोग करते हैं शिद्दत के साथ करिए, क्योंकि जितना आप मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद जाकर अपने आप के पाप को धोने की कोशिश करते हो उससे बेटर ये होता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां पर मत जाइए, वहां पर आपकी श्रद्धा है आपको जाना चाहिए, डेफिनेटली बहुत बढ़िया बात होती है, मैं खुद जाता हूं, लेकिन एटलीस्ट हमें इन टाइम पर जो एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों की हेल्प करना, वो हमें करना चाहिए। और टाइम टू टाइम हमें इन लोगों की अगर हम कर सकते हैं अपनी तरफ से मेहनत जो इन लोगों की कम से कम कर पाएंगे तो डेफिनेटली इनकी हेल्प हो पाएगी, और ये लोग भी शायद आपको दुआएं देंगे तो वो आपको भी हेल्प करेंगे, है ना, यही इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, अगेन मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि ट्विटर या जहां पर भी अपनी वॉइस को रख सकते हैं आप लोग जरूर रखिए, और ज्यादा से ज्यादा पंजाब के स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि मेल कीजिए PSSB बोर्ड और आपके PPSC बोर्ड को, ताकि वो लोग उन बातों को सुने और वहां पर उन रिक्वेस्ट को पहुंचने से एटलीस्ट हम लोग एग्जाम डेट को अगर एक्सटेंड करवा पाए तो उन लोगों की हेल्प हो जाएगी, उन बच्चों की हेल्प हो जाएगी जो ऐसी कंडीशन से जूझ रहे हैं, क्योंकि उनके लिए एग्जाम की तैयारी करना तो इस टाइम पर बिल्कुल भी डिफिकल्ट है। और दूसरा, उन लोगों तक हम लोग खाने की पीने की जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल करवा सकते हैं वो जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में है। और कहते हैं कि सक्सेस जो होती है उसके साथ हैप्पीनेस नहीं आती, हैप्पीनेस के साथ सक्सेस मिलती है। तो अगर आप लोग आज खुश हैं, आप लोग किसी की हेल्प करोगे तो आप लोग बिल्कुल खुश रहेंगे, और खुश रहेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।